अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्रेजी मूड्स व्लॉग्स। जी, कल का व्लॉग जो था वो आप लोगों ने देखा था और बड़ा उसको अप्रिशिएट भी किया है, वो पेरेंटिंग पे था। तो आज का मेरा व्लॉग है, हम वापस अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आ गए हैं, क्योंकि दो तीन दिन से मैं आप लोगों से कुछ शेयर नहीं कर सकी थी। आज मेरा मॉर्निंग का टाइम है, आज मेरा नाश्ता बिल्कुल भी कोई ब्रेड कोई टोस्ट कुछ खाने को नहीं था, तो मैंने जो है वो योगर्ट ला के रखा हुआ। ये लो फैट है, इसके दो से तीन चम्मच मैं ले लेती होती हूँ, और साथ में नट्स जो है वो मैं मोस्टली जो है वो मुट्ठी भर के लेती हूँ। ये आप लोगों ने भी सुना होगा पढ़ा होगा कि नट्स जब भी लें तो कोशिश करें कि अपने हाथ में अपने पाम में जो हथेली में मुट्ठी बंद करें, जितने आपकी मुट्ठी में आते हैं वो नट्स आप ले सकते हैं। बस वो उसमें वैरायटी ऑफ नट्स आप कर सकते हैं, जो आपको एक नट्स लाइक आपको उससे बादाम पसंद है या कुछ भी पसंद है, लेकिन मैं तो वैरायटी करती हूँ, वैरायटी से ज़रा थोड़ा सा मज़ा आता है। और वैसे भी योगर्ट और नट्स बहुत मज़ा देते हैं। अब मेरा नाश्ता हो गया, अब जो है मेरे आज मैंने रूम की जो है वो डीप क्लीनिंग थोड़ी सी करनी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सोफ़े जो है वो काफ़ी दिनों से हटाए नहीं है, तो काफ़ी मेस मुझे लग रहा था, वो थोड़ा सा डीप क्लीनिंग शुरू की हुई है। साथ साथ मैंने सोचा है बेडशीट को चेंज करती हूँ। तो फिर ये कि जब फास्टिंग और इस तरह से आप जो है वो डाइटिंग पे जाते हैं, तो आप में मैंने फ़ील किया, पता नहीं, अब मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा एक्टिव फील करने लग जाती हूँ, क्योंकि जब आप वेट लॉस की तरफ जाते हो बॉडी एक्टिव होना शुरू हो जाती है। लेकिन आपने साथ साथ अपने मल्टीविटामिन ज़रूर लेने हैं, वो बिल्कुल स्किप नहीं करने। अब मेरी तो फास्टिंग चल रही है, लेकिन बच्चों की तो नहीं चल रही। बच्चों का खाना भी उसी तरह बनता है, माशाल्लाह वो खाते भी हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने स्कूल जाना होता है, अपनी स्टडीज़ अपना सारा जो उनका टाइम है वो तो वैसे ही रूटीन चल रही होती। घर वालों ने तो फास्टिंग पे नहीं है, उनकी रूटीन वैसे चल रही होती, बस बच्चों का खाना बनाया। आज मैंने टींडे गोश्त बनाया था, गोश्त नहीं था, चिकन का गोश्त था, तो बच्चे चिकन भी बहुत पसंद करते हैं, तो मुझे होता है कि वेजिटेबल डालूँ, चलें बच्चों को कोई तो न्यूट्रिशंस मिले। आपको पता है बच्चे कहाँ न्यूट्रिशनल खाना जो है वो लाइक करते हैं इस तरह से, तो मेरी कोशिश होती है कि चलें कुछ ऐसा चलता रहे दिन में, कुछ ऐसे खाने में हम चीज़ें ऐड करें जो बच्चों को जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल सकें। बस खाना मेरा तकरीबन रेडी हो गया है, अब मैं बच्चों को खाना दूंगी, बच्चे स्कूल से आएंगे, तो इसी तरह बस मेरा यही सिलसिला जो है ना वो चलता रहता है, साथ साथ मेरी फास्टिंग, साथ साथ घर, साथ साथ बच्चों का खाना पीना रूटीन। तो आपको इसलिए मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ कि जब हम फास्टिंग पे होते हैं तो घर वाले फास्टिंग पे नहीं होते, तो घर का खाना जो है वो उसी तरह उसी रूटीन में बनता रहना चाहिए और बनना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी जो ग्रोइंग एज है उनको ये इन चीज़ों की खाने पीने की हर चीज़ की ज़रूरत है। अगर माँ फास्टिंग पे है तो वो बिल्कुल ये ना सोचे कि मेरा पूरा घर फास्टिंग पे है, उसने बच्चों का ख्याल उसी तरह रखना है। अब मेरा ये है कि मैं फास्टिंग के साथ साथ, अब जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में हों या डाइटिंग पे हों, तो हमारी स्किन पे बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है और बहुत जल्दी हमारी स्किन जो है ना वो डल फील होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम थोड़ा सा डाइट पर जाते हैं। आपने पानी का इंटेक बहुत अच्छा लेना है, 3 से 3.5 लीटर के करीब आपने पानी की, 2 बॉटल्स जो है ना 1.5 लीटर वाली, जो 1.5 लीटर वाली जो होती है वो आपने 2 फिल करके रख लेनी है। मिनिमम जो है ना वो 2 बॉटल्स आपने विद इन अ डे आपने ख़त्म करनी है। उसके साथ साथ ग्रीन टी लेमन वाटर वो लेते रहना है। अब मेरे जो मैंने बच्चों के खाने के साथ ही जो है ना चिकन की 2 बोटियाँ ले ली थी, वो मेरा दोपहर का खाना हो गया था। फिर मैंने शाम के स्नैक्स में बच्चों को बना के दिए पॉपकॉर्न और ख़ुद मैंने अमरूद एक काटा है, बस फिर अमरूद ही खाना है। अब डाइटिंग पे जो हैं तो फिर चले कोई नहीं, खैर है, खाते भी रहे हैं और खाते भी रहना है, लेकिन एक दफ़ा वेट कंट्रोल हो जाए, थोड़ा सा बैलेंस पे आ जाए हम लोग, तो फिर अच्छा लगता है, बस मुझे तो अच्छा लगता है। तो मैं कभी भी इस चीज़ को जो है ना वो बोझ बनाकर इंटरमिटेंट फास्टिंग या डाइटिंग नहीं करती, मैं बड़ा इंजॉय करके डाइटिंग करती हूँ और मज़ा आता है। मैंने लेकिन थोड़ा सा चीटिंग भी की, मैंने थोड़े से पॉपकॉर्न भी बच्चों से लिए और वो भी थोड़े से खाए बच्चों को, फिर लेकिन मैंने बच्चों को अपना जो है अमरूद भी शेयर कराया है, क्योंकि मैंने कहा ये मैं फिर पूरा अमरूद खाऊंगी तो फिर मेरी डाइट पे थोड़ा सा असर पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा, इसे मैंने बच्चों को थोड़ा अमरूद दिया, उनसे थोड़े से पॉपकॉर्न लिए, तो चले मेरा वो चीज़ बैलेंस हो गई। बेटा कह रहा था आपने हमें पॉपकॉर्न प्लेटर खा दिया, तो मामा हमें तो आज हमारा एक चॉकलेट का पैक पड़ा हुआ है, उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम, वो खोलेंगे हम, वो खाएँगे और हम इन्जॉय करेंगे और आपको दिखाएँगे। मैंने कहा बेटा खाएं, क्योंकि जब आप फोकस्ड होते हो ना, जब आप कोई चीज़ शुरू करते हो तो फोकस्ड होकर करें, जब माइंड बना लें, जहन बना लें कि मैंने ये करना है। हाँ, अपने लिए टेंशन ना बनाएं, अपने आप को मोटिवेशनल माइंड से सेट करें चीज़ को, नहीं ये मैंने नहीं करना, बस अब मेरा ये गोल है, मैंने ये करना है, तो मैंने जो दूसरी चीज़ें जो मैंने स्किप की हुई हैं, मैंने छोड़ी हुई हैं, मैंने ये नहीं करनी। हाँ, अपने लिए वीक में एक चीट डे बनाएं जिसमें आपने आपको ट्रीट दे। ट्रीट का मतलब है कि आपने पूरा वीक अगर डाइट की है, उससे आपका अगर
1 kg भी लूज़ हुआ है तो आप अपने आप को ट्रीट दें। वो अपने आप को ट्रीट देने का मकसद ये है कि आप एक दिन चीट डे बनाएं, उसमें अपना मनपसंद कुछ भी आप जो खाना चाहते हैं वो खाएं। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ, वंस अ वीक मैं अपने आप को ट्रीट देती हूँ, अपने आप को वो अप्रिशिएट करती हूँ, खुश करती हूँ कि मैंने जो एक वीक में मैंने इतना, चाहे मैंने 1/2 kg भी लूज़ किया हो, 1 वीक में 1 kg भी किया हो, मैं अपने आप को ज़रूर जो है ना ट्रीट देती हूँ। इसी तरह से अपने आप को मोटिवेट करें, बिल्कुल अपने आप को बर्डनाइज, अपने आप को प्रेशर में ना ला के करें कि मैं जी इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ या मैं डाइटिंग पे हूँ। तो ये चीज़ जब आप करते हो ना तो माइंड जो है ना बहुत जल्दी फेडअप हो जाता है और हम ये चीज़ें छोड़ जाते हैं। अब मेरे बेटे ने अनबॉक्सिंग भी करवाई मेरे सामने, मैंने फिर उसकी वीडियो भी बनाई, बट मैंने चॉकलेट टेस्ट नहीं की, मेरे बेटे ने खाई और मुझे दिखाकर खाई। कोई बात नहीं, बच्चों ने तो खानी है, बच्चों की तो फिर ये याशी के टाइम है, हम लोगों ने भी बड़ी याशी की है, कोई मसला नहीं। तो बस बच्चे अब अपनी चॉकलेट भी साथ साथ खाएंगे, इंजॉय करेंगे, आप लोगों से मेरी गपशप भी चलती रहेगी। हाँ, अब मेरे बताने का मकसद था वो जो मैं आप लोगों को शुरू में कह रही थी कि जब हम डाइटिंग पे होते हैं तो हमारी स्किन बहुत डल होती है, उसको फ्रेश रखने के लिए आप क्लेंजिंग भी करें, मल्टीविटामिंस भी लें और अपने आप को थोड़ा अपनी स्किन को पैम्पर भी करें। आज मेरा था प्लान कि अब बच्चों का और हर चीज़ तकरीबन खाना पीना भी मेरा हो गया, अब शाम का मेरा रह गया खाना, वो मैं पहले अपने आप को थोड़ा सा टाइम दूंगी। मैंने हेयर डाई लगाया क्योंकि मैं जो है वो मैंने करवाए हुए हाईलाइट्स, अब हाईलाइट्स के साथ जब मुझे थोड़ा सा फ्रंट जो होता है ना वो हाईलाइट्स पीछे की तरफ जाते हैं तो मैं फिर उसका कलर बैलेंस करने के लिए लॉरियल का लगाती हूँ 6 नंबर, इतना ज़बरदस्त है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इतना नेचुरल, इतना खूबसूरत जो है ना ब्लॉन्ड कलर आता है, ज़बरदस्त मज़ा आ जाता है। तो वो मैं लगाती हूँ, यही उसी में से निकला था कंडीशनर। इसके बाद मैंने टाइम मेरा तकरीबन मैं रखती हूँ 40 मिनट्स, 35 to 40 मिनट्स के करीब, उसके बाद कंडीशनर करके मैंने बालों को धोना है, फिर मैंने करनी है जब अपनी सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में मैं क्या करूँगी, जो अपनी मैंने ब्लीच आपको पहले भी पिछले व्लॉग्स में भी मैंने शेयर किया कि मैं ब्लीच घर पे बनाती हूँ और मैंने बना के भी आपको दिखाई थी तरीका भी, और दूसरा कौन से ब्रांड की मैं यूज़ करती हूँ वो भी बताई थी। अभी वो उसी तरह से मैंने बनाया है, उस दिन मैंने फेस पर अप्लाई नहीं की थी, जस्ट हैंड्स पर की थी। हैंड्स को मैं विद इन आफ्टर अ वीक, मैं लाजमी आफ्टर अ वीक हैंड्स पर करती हूँ, क्योंकि आपको पता है हाथ हमारे गंदे होते हैं, यूज़ में आ रहे होते हैं, खाना पकाना ये वो सारा, तो फिर हाथों को तो मैं लाजमी करती हूँ वीक के बाद, लेकिन फेस को जो है वो मंथ या आफ्टर 20 डेज मैं फेस को भी ब्लीच करती हूँ, ताकि बंदे की ना फ्रेश लुक आ जाती है, बंदा थोड़ा सा ग्लो करने लग जाता है। तो क्यों ना हम ग्लो करें, जब हम स्मार्ट भी हो रहे हों तो हमारी स्किन भी ग्लो करे तो ज़बरदस्त लगते हैं। तो बस अब मैंने ब्लीच करनी है, वो मैंने बना के अब आज मैंने थोड़ा सा, मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी, कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कहा भी था कि आप अपना फेस नहीं दिखाती हो जब आप ब्लीच करती हो या इस तरह का कोई काम अपने फेस का प्रोडक्ट यूज़ करती हो तो फेस पे अप्लाई करके नहीं दिखाती हो। तो आज मैंने फेस पे भी अप्लाई करना है, बस थोड़ा थोड़ा सा आपको वो भी दिखाना है, और फिर मैंने अप्लाई करने के बाद फिर थोड़ा देर वेट करूँगी, वो भी आपको बताऊँगी कितनी देर वेट करूँगी, लेकिन अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ। मैंने ये भी आपको बताया था कि ये मेरा ब्रश और ये मेरे जो बाउल है ये मेरा स्पेसिफिक है जो मैंने जस्ट ब्लीच के लिए रखा हुआ है, ये हेयर डाई के लिए नहीं, हेयर डाई का मैंने अलग से रखा हुआ है। तो ये मेरे घर में, आज मैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये कौन से वॉशरूम में हूँ, ये मेरा गेस्ट रूम का वॉशरूम है, क्योंकि आज मेरा जो बेडरूम का वॉशरूम है उस पर मेरे हस्बैंड ने कब्जा किया, वो शॉवर ले रहे थे तो मुझे भी अपना ये काम करना था, तो फिर मैंने सोचा चलें जी वाई नॉट के मैं अपना गेस्ट रूम वाला वॉशरूम यूज़ कर लेती हूँ। तो बस वहीं वो उसका मिरर थोड़ा सा जो था वो काफ़ी हाइट पे लगा हुआ है तो मुझे प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन चलें कोई बात नहीं, गुजारा हो गया। तो बस अब वो मैं अप्लाई कर रही हूँ अपना ब्लीच को, तो मैंने आपको बताया भी है, बल्कि आपने थंबनेल भी में भी देखा होगा कि मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है कि मैं कैसे ब्लीच करती हूँ, क्योंकि मैंने ब्लीच का बनाने का तरीका आपको बताया था लेकिन अप्लाई अपने फेस पे करके नहीं आपको बताई थी। तो अपनी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पे मैंने आज जो है फेस पे भी लगाई है और वो सारा अप्लाई करके भी बताई है, छोटे छोटे क्लिप्स में बताई है, लेकिन ये कि आप लोग ज़रूर इससे भी खुश होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। तो ये देखिए मैं आराम से ना आँखों को बचा के सुकून से तसल्ली से करके लगा के फिर मैं 20 मिनट्स, एटलीस्ट 20 मिनट्स जो है ना कम से कम वो मैं वेट करती हूँ, क्योंकि 20 मिनट्स के बाद ना आपके एक तो जो फाइन जो हेयर्स होते हैं, बिल्कुल थिन हेयर्स होते हैं बारीक बारीक, वो भी अच्छा कलर में आ जाते हैं, ब्लीच हो जाते हैं और फेस भी आपका काफ़ी ग्लो करता है, और ये कि डेड स्किन हर चीज़ रिमूव हो जाती है। तो लाजमी ये मैं 20 डेज़ के बाद या मैक्सिमम जो मैक्सिमम वेट भी करें ना आफ्टर अ मंथ आप ज़रूर ब्लीच किया करें, और ख़ुद भी कर लें, अगर आप लोगों को खुद नहीं करते हैं तो पार्लर से करवा लें, लेकिन ये कि अपनी सेल्फ केयर ज़रूर करें। सेल्फ केयर अगर बंदा खुद करता है तो ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा बंदा सेटिस्फाइड होता है, तो कोशिश किया करें अपनी सेल्फ केयर का
खुद ख्याल रखें। बस तकरीबन मेरे ख्याल से ये चीज़ें मेरे जब मैंने इकट्ठा स्टॉक ये लिया था तो राउंड अबाउट ये 900 में आया था सारा सामान। लेकिन यकीन जानिएगा कि मुझे तकरीबन 6 से 7 मंथ्स हो गए, मेरा अभी भी ये चल रहा है। ये इतना इकोनॉमिकल और इतना रीज़नेबल हमें प्राइस में मिल जाता है, 900 to 920 की रेंज में ये मेरे ख्याल से था। और ये सॉफ्ट टच के सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ब्लीच पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, वाइटनिंग वाला, और दूसरा है जी बूस्टर, और एक है जी पॉलिशर। ये 3 चीज़ें हैं, उनकी क्वांटिटी भी मैंने आपको बताई थी कैसे कितनी डालनी है। आज फिर रिपीट कर देती हूँ कि 2 स्पून जो हैं वो ब्लीच के, 2 स्पून जो हैं बूस्टर के, और 1 स्पून जो है उसका पॉलिशर का। ये आपने जो 3 चीज़ें मिक्स करनी है इसी क्वांटिटी से, और बस अप्लाई करें और आप रिज़ल्ट देखिएगा। और नाम इतना माइल्ड होता है कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ज़रा सी मैं अगर कोई हार्ड चीज़ अप्लाई कर लूँ तो मुझे फौरी जो रैश हो जाते हैं। इसलिए मेरी स्किन सेंसिटिव स्किन पे अगर ये माइल्ड है और अच्छा रिजल्ट देता है तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। विदाउट एनी हेजिटेशन ये ज़रूर इस्तेमाल करें और ग्लो देखिएगा और अपनी सेल्फ केयर खुद किया करें। बस अब मैंने आपको दिखाने का मकसद है कि देखिए मेरी कितनी स्किन अच्छी साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन हो गई है। अब मैं तो खुद बड़ा खुश हो रही हूँ कि मैंने खुद से आज किया है। और एक आप जब खुद काम करते हो यकीन जानिएगा कि उसकी खुशी अपनी होती है। बस ये मेरा ये तकरीबन डन हो गया है, अब मैं फ़ेस वॉश करूँगी सारा पूरा। अब ये देखिए चेक करें, ज़बरदस्त हो गया, बाल भी मेरे जो हैं वो फ्रेश हो गए हैं और फेस भी फ्रेश हो गया है। अब बस मेरा शाम का जो मील का वो टाइम आ गया, क्योंकि मैं आपको पता है मैंने विंडो सेट की हुई है, आपको बताया था 8 to 10 शाम के, रात के जो 8 से लेकर सुबह के 10 बजे तक मैंने अपनी विंडो सेट की है। ये मेरी फास्टिंग विंडो है, जो मेरी जो अनफास्टिंग विंडो है वो जिसमें मैं खाती हूँ वो वाला है। अब फास्टिंग विंडो से पहले पहले 8 बजे से पहले पहले मैंने सैंडविच बनाई है, मेरे ब्राउन ब्रेड के सैंडविच हैं। कीमा मेरे पास पड़ा हुआ था घर में बॉयल, उसमें मैंने कीमा डाला है। और बेटी ने भी कहा कि मामा ये बहुत मज़े के लगते हैं, आप मुझे भी बना के दें। तो फिर माँ और बेटी ने दोनों ने हमने बनाए हैं और ब्राउन ब्रेड के हैं। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कार्ब्स भी लेना ज़रूरी है और कीमा प्रोटीन हो गया, तो इस तरह की चीज़ें खाएं जो आपको अंदर से भी स्ट्रॉन्ग रखें। ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।